और माहौलियाती समिट में दावत ना मिलने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का रद्द अमल सामने आ गया। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि अमरीकी माहौलियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में दावत ना मिलने के वावेले पर हैरान हूँ। आपको बता रहे हैं कि माहौलियाती समिट में दावत ना मिलने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का रद्द अमल सामने आ गया। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि अमरीकी माहौलियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में दावत ना मिलने के वावेले पर हैरान हूँ। अमेरिका के जो बाइडन प्रशासन ने पाकिस्तान को करारा झटका दिया है। जलवायु परिवर्तन पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी भारत बांग्लादेश की यात्रा करेंगे, लेकिन इस महासंकट से सर्वाधिक जूझ रहे देशों में शामिल पाकिस्तान नहीं जाएंगे। जानकारी के मुताबिक कैरी जलवायु संकट पर चर्चा करने के लिए 1 से 9 अप्रैल के बीच भारत, बांग्लादेश और UAE की यात्रा पर जाएंगे। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक कैरी के पाकिस्तान नहीं आने और जलवायु परिवर्तन पर शिखर सम्मेलन में इमरान खान को न्योता नहीं देने से कई लोगों की त्योरियां चढ़ गई है। लोगों को मानना है कि यह पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। दक्षिण एशिया मामलों के अमेरिकी विशेषज्ञ माइक कुगेलमैन ने कहा, पहले पाकिस्तान को व्हाइट हाउस के वैश्विक जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में न्योता नहीं दिया गया। अब अमेरिका के जलवायु दूत जॉन कैरी चर्चा के लिए भारत और बांग्लादेश जा रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि 22-23 अप्रैल के बीच जलवायु परिवर्तन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन बाइडेन द्वारा आयोजित नेताओं के शिखर सम्मेलन और इस वर्ष के अंत में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 से पहले कैरी इस मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए इन दोनों की यात्रा करेंगे। कैरी ने ट्वीट किया, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विश्व के 40 नेताओं को जलवायु परिवर्तन से निपटने को लेकर वार्ता के मकसद से आयोजित होने वाले नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया।